नीचे रख दो सोने को, कोई समझौता नहीं होगा। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, इतना ज्यादा सोना क्यों दे रहे हो उन जंगियों को, और वो भी एक मामूली ताबूत के लिए? और तुम उनसे सुलह का मुआहदा भी करोगे, हम क्या करेंगे? हाथ पर हाथ रखकर दुश्मन को अपनी नाक के नीचे पनपता देखेंगे? हाँ, जरा तसल्ली, तुम समझते हो मैं ऐसा कर सकता हूँ? मुआहदे पर तुम्हारी मोहर लगेगी। एक अदना से कागज की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। जानते हो, हकीकत में तो उसकी आंखों में धूल झोंकी जा रही है। उसे ये लगना चाहिए कि हम हमला नहीं करेंगे, बस ताबूत सकीना मिल जाए, उसके बाद इस दुनिया को उनके लिए जहन्नम बना देंगे। और ये भी याद रखो, जो सोना दे रहे हैं वो जंग करके छीन लेंगे उनसे। और सलाउद्दीन, उसका क्या होगा? जैसे ही वो ताबूत सकीना हाथ आया, सलाउद्दीन की हैसियत कुछ भी ना रहेगी। अपने सिपाहियों को तैयार रखो, क्योंकि जैसे ही ताबूत सकीना मिला, सलाउद्दीन के कबीले पर यलगार करनी है। इस तरह अपने किए की सजा भी मिल जाएगी उसे, और हमारे सरों से हमेशा के लिए उसका खतरा भी टल जाएगा। मेरे अमीर, मलिक मदूद को ताबूत सकीना की अहमियत का अंदाजा नहीं, और वो उस दुश्मन अफरान से समझौता कर रहे हैं। उन्होंने मेरी एक न सुनी, कायम-मकाम सुल्तान कोई कारनामा अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन अवराम उनकी आंखों में धूल झोंक रहा है। भला वो अपने बदतरीन दुश्मन से सुलह का मुआहदा कैसे कर सकता है? फिर हम क्या करें? हमें वो ताबूत सकीना मलिक मदूद से रास्ते में ही छीनना पड़ेगा। मगर इस तरह हम सुल्तान को नाराज कर देंगे। कायम-मकाम सुल्तान है वो, हमें बख्शेंगे नहीं। अवराम को ताबूत मिल गया तो वो किसी को भी नहीं बख्शेगा। हमें उसे नाकाम करना है। ताबूत सकीना लेकर ही रहेंगे, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। आ जाओ। दमिश्क के दरवाजे पर फौज मुंतजर है, तुम संदूक ले जाओ, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूं। मेरी जान कुर्बान सरदार। आप गलती कर रहे हैं मेरे शहजादे। मलिक सलाहुद्दीन ने इस ताबूत को लेकर एक मंसूबा बनाया हुआ था। सुल्तान नूरुद्दीन भी नाराज हो जाएंगे इस पर। मेरी गुजारिश है, ये मत कीजिए। मुझे लगता है सलाहुद्दीन ने सब पर जादू कर रखा है। सबकी एक ही रट है, सलाहुद्दीन सलाहुद्दीन। मैं जब ये समझौता कर लूंगा तो मेरे सुल्तान भी यकीनी तौर पर खुश होंगे। तुम्हारे पास ममलिकत की वजारत है, तुम्हें वजीर बनकर दिखाना चाहिए, सलाउद्दीन का हिमायती नहीं।